हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनीवल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। कब्जा, अंडरवर्ल्ड का कब्जा। जी हाँ दोस्तों, कब्जा जो कि वीकेंड ख़त्म हो गई है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी आ चुका है दोस्तों। हालांकि आपको बता दूं कि नॉर्थ में ये मूवी डिजास्टर हो गई है। इसमें बोलने से मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, क्योंकि रियल में डिजास्टर हो गई। लेकिन दोस्तों, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे टॉम और जेरी भाई। इन्होंने फर्स्ट डे तो नहीं देखा था, थर्ड डे मूवी को देखा। इन्होंने अपना रिव्यू भी दिया। हालांकि ये हमारे जो टॉम एंड जेरी भाई, ये हॉनेस्ट रिव्यू देते हैं, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को हो या साउथ इंडस्ट्रीज की हो या अदर इंडस्ट्रीज की हो, हॉनेस्ट देते हैं। ये नहीं है कि अगर कनाडा तो इसका मतलब वो तेल मालिश लगा के भरेंगे। नहीं, अगर इनको अच्छा लगा हर इंडस्ट्री पढ़नी चाहिए। हाँ, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। तो चलिए आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो कि कनाडा में सक्सेस हो गया लेकिन नॉर्थ में डिजास्टर हो गई है। हाँ। तो चलिए आपसे चर्चा करेंगे इस पर। इस वीडियो पूरा एंड तक देखना। हाँ, आधे में बंद मत करना। हाँ, वीडियो प्लीज एंड तक देखना जरूर। तो कब्जा, जैसे आपने मूवी का रिव्यू तो हमने देखा, हमारा कि हमारा रिएक्शन क्या था एक्चुअल में, और बोला था होने से रहेगा जो भी था। पर हमने कमेंट्स पे बहुत, मतलब कनाडा वाले लोग ने प्यार नहीं दिया, बहुत गालियाँ दी, जो बहुत खुशी मिली हमको। एक्सपेक्टेड था क्योंकि हम कनाडा को बहुत सर आंखों से मानते हैं, और एक मूवी ऐसा आ गए तो वही। तो मैं उनको जो कमेंट है उनके माध्यम से एक अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई, जरूरी नहीं कि हर मूवी अच्छी निकले या कुछ भी निकले। आपके वहाँ के फैंस लोग, आपके वहाँ के लोग हिट कर ही देंगे कैसे भी कैसे करके मूवी। यहाँ के नॉर्थ लोग अलग ही, यहाँ के नॉर्थ लोग अपने एक्टर को हिट नहीं करते। आप देख लो, आपको भी पता, अक्षय कुमार हिट हो रहे इतने टाइम से, नहीं हो रहे, कोई भी एक्टर नहीं हो रहे। कार्तिक आर्यन पिछले साल हिट हुए, ये साल फ्लॉप हो गए, सही साल ला के ऐसे होता है। आपके फैंस लोग ऐसे नहीं, यहाँ पे फैंस ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्रेज है मूवी के। अब मैं बोलता हूँ रणवीर कपूर के फैन नहीं है, तू झूठी में मक्कर हिट हुआ है, वो सिर्फ पब्लिक को खींचने के लोग स्टोरी से। अगर होना रहता था ब्रह्मा से हिंदी में अच्छा खासा कलेक्शन करता, शमशेरा भी अलग से होता। हिंदी में फैंस नहीं है, मैं बोलता ना हिंदी में फैंस नहीं है, रह गए तो गिनचुने चिल्लर वाले। पर जो क्रेज रहता है ना, वो क्रेज रहता है, वहाँ के लोग फैंस है, ऐसे बोलते। पर आपको ये मूवी का अगर मैं नेगेटिव बोला हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैंने आपकी कन्नड़ इंडस्ट्री को नेगेटिव बोला, नहीं। कितनी भी मूवी आए, कितनी भी खराब आए, कितनी भी अच्छी आए, KGF 3 आए, Salaar 2 आए या Kabza 2 आए, कितनी भी आए, पर आपकी सिर्फ एक ही मूवी का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट और जो सर आंखों पे, और वो एक मूवी के लिए आपको गर्व होना चाहिए। और वो कौन सी मूवी आपको भी पता है? कांतारा, जो अभी इटली और स्पेनिश में ही चलने वाली है मूवी। सोचो, आपकी इंडस्ट्री की मूवी कोई नहीं देखता था, नॉर्थ में भी नहीं देखता था, फॉरेन कंट्री देख रहे, ये सबसे बड़ी बात है। हम खुश हुए आपकी मूवी कांतारा, हम खुश हुए इटली और स्पेनिश में गया। और कल हम लोग ने टीवी पे भी देखा, कल हम लोग टीवी पे देखा, सेंट मैक्स पे, मेरे आंग में आ गया बोलना नहीं चाहिए। बट सच में बड़ा कब्जा मूवी। अगर हमको बुरी लगी तो ऐसा नहीं कि आपकी इंडस्ट्री में को बकवास लगी, नहीं, बहुत सारे इंडस्ट्री में हिट फ्लॉप चलते रहते हैं। Pushpa 2 तेलुगु में इतनी नहीं चली थी, नहीं चली थी इतनी, पब्लिक ने नेगेटिव भी दिया था वहाँ पे, यहाँ पे धूम मचा दी थी, 50% ऑडियंस में 350 करोड़ किया था, सोचो वर्ल्ड वाइड में। तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला था यहाँ से भी। तो ऐसा होता है, ऊपर नीचे होता है, यहाँ पे फैंस जो होते हैं, आपकी मूवी आएगी यहाँ से प्यार मिलेगा, हमारी मूवी आ जाएगी तो वहाँ से प्यार मिले पता नहीं, पर यहाँ के लोग भी प्यार नहीं देते। पहली बार यहाँ पे इज्जत देते, यहाँ पे बॉयकॉट देना रहता है। कनाडा, जो कनाडा से जो मूवी यहाँ पे रिलीज होती है पैन इंडिया में, तो हालांकि यहाँ पे ना इतना सपोर्ट आपने देखा रहेगा, जब KGF निकला है तो कितना सपोर्ट मिला था। हालांकि दो तीन महीना ऐसी कोई बॉलीवुड मूवी नहीं जो दो तीन महीने तक चली थी, खाली KGF थी जो दो तीन महीने तक रुकी थी। फिर कांतारा हो गया, कांतारा तो चार पांच महीना कंटिन्यू चल रही थी। चलो वही ना, सोचो इतना सपोर्ट करती है, मतलब यहाँ के लोग कन्नड़ा को सपोर्ट कर रहे हैं, खुद के बॉलीवुड वाले को सपोर्ट नहीं कर रहे, बट आपको सपोर्ट कर रहे हो। और आपकी कांतारा मूवी फॉरेन कंट्री में जा रही है, इटली स्पेनिश, कांतारा कहाँ कहाँ जा रही है, टीवी पे आ चुकी है, प्लस उधर फॉरेन में भी जा रही है। इटली स्पेनिश में कैसा डब किया रहेगा, वहाँ का डब कैसा, वहाँ के लोग हैरान हो जाएगा कल्चर देख के। सच में, जब टूरिस्ट अभी चालू नहीं, टूरिस्ट चालू लोग मुंबई नहीं आएंगे, आपका ये बैंगलोर आओगे और देखोगे भाई वो सीन, बताओ हमको रियल में कैसा लगता है, वो देवगौर का कैसा रहता है, यही आज टाइम पे भी होता। पुष्पा भी जब आउट कंट्रीज में लगा था ना, तो उधर के लोग भी ऐसे पागल हो गए। तो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी ये कांतारा उधर लग रहे हैं ना, माँ का संबोधन, पब्लिक पहला बैंगलोर ही आएगी और कल्चर देख के जाएगी। दूसरा, अभी कब्जा टीम को बोलूंगा, कब्जा टीम को मैं एक बात बोलूंगा, पूरी टीम को, मैनेजर और जो भी PR है सबको बोलेगा, आपको अगर नॉर्थ में कोई पिक्चर निकालो प्रमोशन करना सीखना है ना, करना है तो बस आप ऋषभ शेट्टी को मिलिए, क्योंकि वो बंदा ऐसा इंसान है ना, उससे जो प्रमोशन किया ना अपनी पिक्चर को, वो बंदा एक क्वेश्चन से पक जाता था। हम जब मिलने गए थे उसको, आपने देखा रहेगा हमारा वीडियो ऋषभ शेट्टी का, हम जब मिलने गए थे, हमारे मिलने से पहले वो यॉन कर रहा था, फिर उसकी भाषा में बोला चाय चाहिए, कुछ तो बोला था, वाले आप भी थे मेरे साथ में, चाय चाहिए, फिर हमको देख के स्माइल किया, फिर भी वो बंदे ने ऐसा नहीं बोला मैं कंटाल गया हूँ,
मैंने जो क्वेश्चन पूछा बहुत सारे मीडिया वाले ने भी पूछा, पर कंडर से सबको इंटरव्यू दिया, सबके साथ वो अच्छे से रहा, जरा भी अटेंड डाउन टू अर्थ। तो ये बोलो अगर आपको मूवी अगर नॉर्थ में निकालना है ना तो मत ही निकालो, अपने इंडस्ट्री में रखो, नहीं निकालो, क्योंकि उन लोग पे इतना गुस्सा है जो मैनेजर है पीआर है, मैनेजमेंट तो कुछ आता ही नहीं करने का ढंग का। सीखना है ना तो कांतारा के जो पीआर वीआर थे ना उन लोग से सीखो, या फिर ऋषभ शेट्टी को मिलो, सच में बोल रहा हूँ, क्योंकि उन लोग को मालूम है। यहाँ पे भी मुंबई में ना आनंद पंडित ने ना प्रमोशन बहुत कम किया है, और ऋषभ शेट्टी ऐसे अभी हो गए ना, उनको कांतारा 2 का नॉर्थ में प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, बस डेट आ गया कांतारा 2 निपारे पब्लिक आ जाएगी, ऑटोमेटिक पब्लिक जमा हो जाएगी, ऑलरेडी बस बन गया ऐसा, और वो भी प्री रिक्वेल बना रहे, सिक्वेल भी नहीं प्री रिक्वेल बना रहे, और इसका सिक्वेल भी बनेगा, क्योंकि वो लोग ने पार्ट वो जो कांतारा पार्ट 1 में बता दिया था ऋषभ शेट्टी का बेटा, उस पर कैमरा फोकस कर दिया था, तो थर्ड पार्ट बनेगा, फर्स्ट पार्ट तो अभी उसका पापा के ऊपर बनेगा, तो सोचो ना कितना पार्ट बनेगा कांतारा का, स्टोरी लिख ही लिया रहेगा ना अभी तक, तो ये मैं पब्लिक को बोलेगा आपसे आपकी इंडस्ट्री नाराज नहीं है, कब्जा सच में पसंद नहीं आया, पर ये नहीं है कि आपकी इंडस्ट्री ये लगी, आज भी कांतारा 2 का वेट है, आज भी सलार का वेट है, केडी का वेट है, मार्टिन का वेट है, इतनी सारी मूवी का हम लोग को क्रेज पड़ा है, तो एक मूवी हमको पसंद नहीं आया, ये नहीं है कि आपकी इंडस्ट्री कोई मूवी देखे, भाई देखेंगे कोई देखे या नहीं देखे फर्क नहीं पड़ता, और ऐसा तो साउथ में बहुत पिक्चर है जहां पे डाउन चलती है, एक्चुअली यहां के मीडिया लोग बहुत चुतिया वाले लोग ने ना ट्रोल ज्यादा ओवर कर दिया, बहुत ट्रोल कर, एक्चुअली ट्रोल करना नहीं चाहिए था, ट्रोल ज्यादा कर दिया मीडिया भी, और बहुत सारे लोग भी जिन्होंने गलत ट्रोल कर दिया, मतलब इतना ही कि बहुत गंदा ट्रोल, जो लोग उनके लिए प्रमोट करने आए थे यहाँ पे जो मीडिया वाले थे उन लोग ने एक गालियां विलिया दी है, सच में मैं सब वीडियोस देखा है सब, पर हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऑनेस्टली बताया मूवी में क्या कमी है क्या पसंद है सब बराबर बताया, पर आपकी इंडस्ट्री सबसे बेस्ट, क्योंकि कांतारा जैसी मूवी कोई इंडस्ट्री नहीं बना सकती, अरे बारगा वाले फास्ट एंड फ्यूरियस बनाए गए, टर्मिनेटर बनाए गए, पर कांतारा बनाए गए क्या, हॉलीवुड वाले नहीं बनाए गए, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री जो कांतारा वो उधर तक वही है, सोचो इतने हाई लेवल पे, तो आपकी इंडस्ट्री को सल्यूट मारते हैं अभी लोग, तो कब्जा के लिए क्या लड़ रहा है हम लोग से, कांतारा जैसी मूवी को सल्यूट मारो सच में, बस यही बोलूंगा, बाकी खुश रहो, कमेंट दो, अच्छा दो, प्यार देते रहो, हमारा ऑनेस्टी रहेगा, और अभी उम्मीद करता हूँ कि प्यार बरसे, प्यार बरसे, क्योंकि अभी भी आपकी बहुत सारी मूवी आ रही है, बहुत ही वेद है सच में बोलता हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू।